अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैरत और आप देख रहे हैं रॉक इंजीनियर यूट्यूब। आज हम बात करेंगे प्लस्तर वर्क के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमने ठिए लगाने हैं प्लस्तर के, प्लस्तर की स्टैंडर्ड थिकनेस जो है वो है हमारे पास 12 mm और 19 mm। तो 12 mm या आधी इंची, तो ये सीधी साइड है। इस साइड से मेसन ने ब्रिक वर्क किया, चिनाई किया इस साइड से, तो ये हमारी जो ब्रिक्स हैं ये प्लेन होती हैं, ठीक है। तो इस साइड पर जो हम है 12 mm या आधी इंच का ठिया लगाएंगे। ये हमने ठिया लगा दिया और इसके ऑपोजिट जो साइड है जहाँ पे हमारी ब्रिक्स जो है प्लेन नहीं होती, वहाँ पर आधी इंची, सॉरी पौनी इंची यानी कि 6 सूत्र या फिर 19 mm उसकी थिकनेस, इसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसकी रखी जाएगी। और इस साइड पे आधी इंची या 12 mm, उस पौनी इंची और इस साइड पे आधी इंची, ठीक है। 4 सूत्र या 6 सूत्र, 12 mm और 19 mm। तो बात करते हैं अभी इसके, सबसे पहले ये हमने ठिया लगाया एक 12 mm का। तो अभी इसी ठिए को हमने सॉल की मदद से ऊपर उठा लिया, तो ऐसे हमने ये बिल्कुल टॉप पे हमने एक और ठिया लगा दिया, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास ठिए जो है एक लेवल पे है, एक सॉल में है, तो टॉप पे, और ये इस बॉटम पे हमने डोरी बांधी फिश डोरी, और ये सेंटर में हमने ठिया लगा दिया। तो जो फ़र्क होगा थोड़ा बहुत वो निकाल दिया जाएगा उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हमने 4 सूत्र का लगाया था, यहाँ पे 3 सूत्र आ रहे हैं, 5 सूत्र आ रहा है, तो हमने वो बिल्कुल सीधा करना है, जो फिनिशिंग है वो हमने बिल्कुल क्लियर करनी है। इस तरह हमने एक उस एज पे बॉटम पे ये हमने एक ठिया लगा लिया, और इसी तरह एक उस साइड पे बिल्कुल एज पे हमने ठिया लगा लिया, ओके। तो ये ठिया लगाने के बाद हमने इसके ऊपर डोरी बांधी फिश डोरी, उस पर उस साइड से वो और इसके ऊपर हमने डोरी बांधी और इसको आपस में मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फिश डोरी आ रही होगी, तो उसके मुताबिक हमने ये बाकी ठीक तमाम चीज़ें जो है वो लगाते जाते हैं सेंटर में, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फ़र्क है थोड़ा बहुत, तो उसे ख़त्म करते जाना है। जो हमारी प्लस्तर का होगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी थिकनेस जो कम या ज़्यादा हो रही है, तो हमने उसे करना है, ठीक है। और जो फ़र्क होगा प्लस्तर में वो हमने निकाल देना है। तो ये क्लाइंट वाले आएंगे अभी, ये ठीक पास करेंगे, उनको चेक करेंगे, उनको पास करेंगे, अगर उन्होंने बोला कि ओके है तो हम प्लस्तर वर्क शुरू कर देंगे, अगर ठीक ओके ना हो तो ये ठीक दोबारा लगाए जाएंगे, फिर क्लाइंट से पास करवाए जाएंगे, फिर जो है प्लस्तर वर्क किया जाएगा, ओके। तो प्लस्तर हो जाने के बाद क्लाइंट जो है वो फिर चेक करता है, क्लाइंट वाले फिर चेक करते हैं, और अगर आपके पास मेहरबान क्लाइंट है तो वो फ्रेश प्लस्तर के ऊपर, ताज़ा ताज़ा प्लस्तर के ऊपर ही आकर चेक कर लेंगे, ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाक खुश्क हो जाने के बाद चेक करना, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं, उनकी ये मेहरबानी है, पास का फ्रेश के ऊपर, ताज़ा प्लस्तर के ऊपर वो आकर चेक करते हैं। अगर जो उसमें फ़र्क हो थोड़ा बहुत, तो वो कहते हैं ये इसे रिमूव करो और इसके ऊपर फिर दोबारा प्लस्तर करते हैं, ठीक है। तो हमने प्लस्तर जो है उसकी थिकनेस अगर कम या ज़्यादा होती हो थोड़ी बहुत, तो एवरेज के मुताबिक हमने करनी होती है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो इसका है वो है आधी इंची या 12 mm सीधी साइड से, और इसकी उल्टी साइड से 6 सूत्र या पौनी इंची या फिर 19 mm इसके मुखालफ साइड जो होती है, जहाँ जिस पे हमारे पास ब्रिक्स जो है वो प्लेन नहीं होती जिस साइड से, या फिर बैरूनी साइड भी जिसे बोला जाता है, तो वो साइड जो होगा बैरूनी साइड भी होगी, तो उसे भी हम 19 mm रखेंगे, ठीक है।